देखिए, अगर मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटीरियल कंटेन्ड इन इट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेस्ड ऑन ऐसा यूनिट है किलोग्राम। मास ऑफ अ बॉडी, जब भी हम ये कभी ये कहते हैं कि भाई हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, तो वेइंग मशीन पर हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। तो मास क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज कंटेन्ड इन योर बॉडी। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितनी चीज है बॉडी के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर मान लीजिए हम बॉल की बात करते हैं, तो बॉल भी दो अलग अलग तरीके की होती है। एक बॉल ऐसी है कि हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है उसके, और एक बॉल ऐसी है जो क्रिकेट की बॉल होती है उसके अंदर काफ़ी कुछ मटेरियल होता है, पूरी ठोस होती है, हार्ड होती है। तो क्या है कि उसका मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, अगर हम टेनिस बॉल की बात करें, तो टेनिस बॉल जो है उसकी बॉडी में जो वेट है, जो मास है वो है, लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं होता, खाली होती है, खोखली होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो मास हो गया। और जो भी हम बात करते हैं ना, जैसे हमने अपना वज़न चेक करा और हमने देखा कि ये 60 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है, तो वो जो हम वज़न चेक करते हैं, तो वो जो वज़न है वो मास है, वो वेट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अगला नोट करें, इसी में नोट करिएगा, इट इज यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट फॉर अ बॉडी। इट इज यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट फॉर अ बॉडी। तो ये एक बॉडी के लिए यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट है। यूनिवर्सली का मतलब क्या है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाइए, अर्थ पर, मार्स पर, मून पर, कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट होता है। नहीं, मून पर अगर हम जाते हैं तो वेट डिफरेंट आता है, मास सेम आता है। ठीक है, उसका रीज़न बस ये है कि अभी मैं वेट की डेफिनेशन बताता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मास जो है, मास कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है। नोट करिएगा, हेडिंग डालिए वेट, मास पर हम लिखिएगा वेट। वेट वेट में लिखेंगे, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड से नहीं है कि हार्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही पंप कर रहा है। मैं आता हूँ, सर मतलब कल तो ग्रेविटी का मतलब हार्ट, मैं आ रहा हूँ उस पर, बस एक मिनट रुक जाइए, बता। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। स्टॉप।
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acceleration produced by the force of attraction of earth is known as acceleration due to gravity. Downward force acting on a body of mass m, downward force acting on a body of mass m is given by F is equal to mass into acceleration due to mass multiplied by mass into acceleration due to gravity. Mass into acceleration due to gravity or F is equal to m into g, m g इस पर ये होगी। वेट क्या होता है? वेट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड योर वेट। तो वेट जो है, वेट एक फोर्स होती है, वेट मास नहीं होता, ठीक है। तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम होगी, ठीक है। लेकिन जो वेट है, जब हमने कहा कि वेट फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसका मतलब जो वेट है, वेट की यूनिट भी न्यूटन है होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ by definition the force of attraction of earth on a body is known as weight of the body. Force of attraction of earth on a body is known as weight w of the body. Acceleration into gravity. M into g. Its SI unit is Newton. Therefore, weight of a body of mass 1 kilogram
given as W is equal to 1 into 9.8. समझ गया कि नहीं? 1 किलोग्राम तो मास हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो W कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं आपके सवाल पर कि वेट और मास इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो जो ये है कि मून पर अलग हो जाता है, तो वो जो मून पर है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा मून पर, है ना। अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मून पर क्योंकि स्मॉल जी अलग होगा तो इसकी वजह से वेट डिफरेंट हो जाता है मून पर जाकर, मास सेम रहेगा। एक किलो की बॉडी यहाँ पर है, एक किलो की बॉडी मून पर भी एक किलो की रहेगी, तो वो मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास पता है कब चेंज होगा? जब किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकाल दी, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने एक बैग टांग रखा है, 5 किलो का बैग है, 70 किलो हमारा वजन है, हमने 5 किलो का बैग टांग रखा है, तो हमारा मास कितना हो गया? 75। तो हमारा मास तभी चेंज होगा जब हम अपनी बॉडी में से कुछ निकाल देंगे। तो जैसे बैग टांग रखा है तो हमने बैग हटा दिया, तो अब हम 70 किलोग्राम के हो गए, ठीक है। तो मास विल रिमेन यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद जो तुम पूछ रहे थे वो वाली चीज़ पर मैं आता हूँ। वो जो ये जो हार्ट बीट वाला क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है प्रेशर पर। प्रेशर भी अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मास और वेट के बाद में प्रेशर, हम उस पर भी आएंगे। ये होता क्या है कि हम अगर अपने बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर टिश्यूज बन गई हैं, फिर कार्टिलेजेस हैं। कार्टिलेजेस हार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट के आसपास जो मसल्स हैं ना, जो हार्ट को उसी पोजीशन पर रहने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इधर हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा डायफ्राम जो है, एक मतलब डायफ्राम इस तरह से पूरा फैला हुआ होता है, जो लंग्स वाला होता है हिस्सा, ठीक है। इधर पूरा फूड पाइप आ रहा है, ठीक, कहीं किडनी है, कहीं लिवर है, कहीं पैनक्रियाज है, कहीं गॉल ब्लैडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रखी हैं, कुछ कांच की छोटी छोटी शीशियाँ हमने अरेंज कर रखी हैं, रख रखी हैं बॉक्स के अंदर, लेकिन वो एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमको इसको ट्रैवल, मतलब हमको ट्रैवल करना है, हमको कहीं दूर जाना है यहाँ से। तो जब हम दूर जाएंगे तो हम ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, है ना, और कभी ऑटो में जाएंगे, तो अलग अलग बाई अलग 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 मोड्स हम ट्रैवल करेंगे। तो उसमें हमने कहा कि कांच की शीशे हैं ना, आपस में टकरा टकरा कर टूट जाएंगी, क्योंकि हिलेगा डुलेगा, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, तो वाइब्रेशन होंगे। तो हमने उसको पैक करने के लिए क्या करा कि बीच में हमने कॉटन लगा दी, है ना, कॉटन भर दी उसके बीच में, जहाँ जहाँ पर जो भी एम्प्टी स्पेस था। वैसा ही अरेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रखा है। अगर हार्ट है, किडनी है, पैनक्रियाज है, अगर उनके बीच में मसल्स जो हैं वो ना हो, अगर उनके बीच में मसल्स ना हो, तो पता चला इंसान दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसका हार्ट जो है वो किडनी में जाकर मिक्स हो गया, ठीक है, और जो लिवर है, लिवर वो स्टमक के साथ जाकर उलझ गया, है ना, और फिर आदमी कह रहा है जरा एक मिनट जरा सेट हो जाए, जरा सेट हो जाए, उसके बाद में खाना खाऊंगा, अभी खाना नहीं खा पा रहा, अभी जो किडनी की जगह पर स्टमक पहुँच चुका है। तो क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो, तो इस वजह से भगवान ने ऐसी सेटिंग करके भेजा है कि जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, नहीं तो पता चला लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में उलझ गई, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता अंटिल एंड अनलेस आपको कोई गंभीर चोट ना लग जाए, है ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसमें ये कहा जाता है कि भाई ग्रेविटी का रोल क्या है हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट के पंप करने में, वो रोल सुनिए। वो रोल ऐसा है कि भाई अगर मान लीजिए हम अपना ये हाथ है, हमने अपना हाथ ना ऐसे कर, अब कितनी देर तक रखें, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, ठीक है। कोई बहुत कहता है मैं बहुत ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर, चलो भाई 10 मिनट तक तुमने ऐसे कर लिया, उसके बाद तो थकेगा फिर वो, ठीक है, उसके बाद वो थकेगा, हाथ को नीचे करेगा। अब ये है कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं आधे घंटे तक मेरे को हाथ को ऊपर रखना है, आधे घंटे तक रख दिया, तो तरीका क्या है? तरीका क्या, हाथ में कुछ बांधा और उसको बांध कर ऊपर लगा दिया, चल भाई अब बैठा रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी लोड है वो रस्सी पर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि आधे घंटे बाद, सिर्फ आधा घंटा बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आधे घंटे बाद हमने उसको रस्सी को खोला, रस्सी को खोला, हम देखेंगे हमारा हाथ ना सफ़ेद पड़ चुका है, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो रेडिशनेस होती है हमारी स्किन में वो क्यों होती है? वो ब्लड के फ्लो की वजह से होती है, ब्लड फ्लो कर ही नहीं रहा था, ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, और वो हमने हाथ को ऊपर हम लेकर चले गए, इस वजह से वो ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था। अब हम ये बात करते हैं कि क्या हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया? हार्ट तो तब भी पंप कर रहा है, हार्ट तब भी पंप कर रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है ना
वो ग्रेविटी उसको ब्लड को ऊपर जाने नहीं दे रही, ब्लड तो ऐसे धीरे 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 वो यहाँ तक तो पहुँच रहा है, हमने हाथ ऐसे कर रखा है यहाँ तक तो पहुँच रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे की तरफ, तो वो फोर्स नहीं लगा पा रहा उतना, ठीक है। और ऐसे में होगा क्या, ऐसे में ज़्यादा देर तक अगर ऐसे रहेंगे तो हार्ट पर भी लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। खुद सोच कर देखिए कि कोई एक पंप है, हार्ट एक सिंपल पंप है, पंप ऐसा होता है आपने देखा होगा कि भाई घरों में पंप लगा देते हैं कि नीचे बोरिंग कर रखा है वहाँ से पानी निकल रहा है, जैसे हैंडपम्प होता है, तो हैंडपम्प पे इलेक्ट्रिक पंप लगा दिया, अब उसके साथ में पाइप जुड़ा हुआ है और पाइप जा रहा है ऊपर टैंक में, तो टैंक में पानी स्टोर हो रहा है, फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब उनको ज़रूरत होती है टैप खोलते हैं पानी यूज़ करते हैं। अब आपने उसको पंप को तो चला रखा है, ठीक है, हार्ट को रोकने का तो कोई तरीका नहीं है ना, हार्ट रुक गया तो सब रुक ही गया, ठीक है, तो हार्ट को तो रोक नहीं सकते, तो कंटिन्यूसली पंपिंग प्रोसेस चल ही रहा है हार्ट का। आपने हाथ को ऊपर कर दिया तो वेंस पे कितना लोड पड़ेगा सोचिएगा, कि ऊपर जा ही नहीं रहा है, ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है, और जब ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर लोड किस पर पड़ रहा है, हार्ट पर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में, और हम ये कहेंगे कि हार्ट ख़राब हो जाएगा, ऐसे ख़राब नहीं होता, ऐसे ख़राब नहीं होता। आपने कई बार ये नोटिस करा होगा कि वैसे तो नॉर्मली आप चलते रहते हैं, पैदल पैदल टहलते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत कभी दौड़ भी लेते हैं, है ना, कभी कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी कुछ मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा खेल लिए और वो ऐसा खेल लिए, फुटबॉल खेलना है और सामने वाली टीम बड़ी खतरनाक है, तो उस खतरनाक टीम से उलझने के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा दौड़ वौड़ लगानी पड़ गई, तो उसमें क्या है कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा। तो हार्ट की जो मसल होती है वो स्पेशल टाइप की मसल होती है, पढ़ा था ना बायोलॉजी में, कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो वो जो कार्डियक मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक मसल होती है, बहुत इलास्टिक होती है। तो एक नॉर्मल इंसान का हार्ट जो है, अगर उसका साइज़ मेज़र करा जाए तो एक क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर साइज़ होता है। लेकिन अगर कोई वही नॉर्मल इंसान अगर खेल कूद कर या बहुत तेज़ी से भाग दौड़ कर आया है तो उसी का जो है वो थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई, हार्ट पंपिंग कर रहा है बहुत देर से, आप बहुत देर से दौड़ लगा रहे हो, दौड़ लगा रहे हो तो हार्ट पंपिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, पंप कर करके करके फूल गया है थोड़ा सा। ओरिजिनल साइज़ तो वही रहेगा, ठीक है। देखिए दो तरीके के साइज़ होते हैं, एक होता है आपका रिलैक्स्ड साइज़, रिलैक्स साइज़ होता है, और एक होता है पंप्ड साइज़। जो पंप्ड साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब तक वो पंप्ड साइज़ बढ़ा हुआ रहेगा तब तक आपसे कोई बात करेगा ना कि हाँ भाई कहाँ गया था, पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद क्या कह रहा था, वो जो आप नॉर्मल हुए हो वो क्या हो गया, वो हार्ट अपना ओरिजिनल साइज़ में आ गया, ठीक है। कोई कहे कि नहीं मेरा जो हार्ट है मैं तो उसको बढ़ाना ही चाह रहा हूँ, है ना, तो बढ़ाने के भी उपकरण मौजूद हैं, बढ़ाने के भी उपकरण मौजूद हैं, बॉयज़ को बता रहा हूँ खासतौर पर, जब ये जाते हैं ना, जब आपको सिक्स पैक एब्स बनाने का शौक चढ़ता है इसी एज में, नाइन्थ टेंथ में, फिर जिम्स में जाते हैं तो वहाँ पर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, और कहते हैं कि भाई इससे ना बॉडी बन जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, ये नेट पर सर्च करके देखना, रोनी कोलमैन बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था और स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर दिया उसने, ये तो क्या होता है कि उन लोगों का ना हार्ट का साइज़ बड़ा ही हो जाता है, वो इंजेक्शन ही इस चीज़ का है कि हार्ट का साइज़ बढ़ा देना है, और जब हार्ट का साइज़ बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद में फिर जो है आप क्या कर रहे हैं कि अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो आम इंसान की, ठीक है, किसी को भी अगर वो इंजेक्शन लगा दिया तो वो आम इंसान से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगा, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगा तो वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा उससे करेगा, मेहनत के साथ करेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आर्टिफिशियल तरीका है, और वो आर्टिफिशियल तरीके में न जाने कितने लोग चले गए प्रभु के पास, है ना, निपट गए। तो वो जो चीज़ है वो है कि हार्ट के साइज़ को वो लोग बढ़ाते हैं, कुछ फुटबॉलर्स भी करते हैं इस काम को, ठीक है, कुछ एथलीट्स ये भी करते हैं। तो कार्डियक मसल मैंने बताया ना कि बॉडी की सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक मसल है वो कार्डियक मसल है। सर जैसे बॉडी बिल्डर का हार्ट ऑलरेडी बड़ा हो गया थोड़ा सा, हाँ, और तो वो और फ्लेक्सिबल हो गई, मतलब थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, वो मैं बताता हूँ क्या है कि वो क्या है कि अब हार्ट की मसल तो फ्लेक्सिबल है, वो तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, आपने उसको दवा ऐसी दे दी है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ ही नहीं रही है, तो आपने क्या करा, आपने उसको ना रिजिड बना दिया, आपने उसको रिजिड बना दिया, तो पंपिंग में दिक्कत नहीं होगी फिर भाई, वो पंप होकर ऐसी शेप में आना चाह रहा है और फिर रिलैक्स होकर ऐसा भी होना चाह रहा है, तो ऐसे होता है, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब फूलना, आपने फुलाई दिया,
है ना, आपने फुलाई दिया, फुलाई दिया उसको तो फिर ठीक है ना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो ख़त्म हुई। तो कभी भी जब इस तरीके का कोई इंसान होता है जो खास तौर पर ये बॉडी बॉडी बनाकर घूमते हैं, तो उनसे जब आप बात करते हैं तो नॉर्मली बात नहीं कर पाते। हाँ भाई बताना, हाँ हाँ, सांस ही फूली रहती है उनकी, हर टाइम सांस चढ़ी रहती है। अगर कोई अच्छा तगड़ा पहलवान है, उससे आप बात कर रहे हो और उसकी सांस ही चढ़ी हुई है ना, वो नॉर्मली बात ही नहीं कर पा रहा, तो समझ लो भाई घपड़ा है, घपला है कुछ ना कुछ, है ना। वो हेल्दी बॉडी नहीं है, वो कभी भी नहीं बढ़ सकता है। कोरोना में कितने चले गए, कोरोना में सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स ही गए, ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, दौड़ गया, मर गया, है ना। तो ये मतलब सारे के सारे इसी तरीके से, हमने अपने जिम में यहाँ पर सोसाइटी में देखा इंजेक्शन पड़े रहते हैं, है ना, कई बार मैंने नोटिस करा है, वॉशरूम में इंजेक्शन पड़े रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो इंजेक्शन वहाँ पर भाई, क्या कर रहे हैं वो इंजेक्शन? और कोई कंप्लेंट करे तो भाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आप तो ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये कितना सीरियस क्राइम है जो कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में जितनी आपकी एज है उतनी ही अकल है, और फिर जब आप जिम में जाते हो तो आपको वो जो पहलवान दिखाई दे रहा है सामने, आपको उसी में भगवान दिखाई देता है कि मुझे ऐसी ही एप्स बनानी है, यही बनानी है बस, ठीक है। वो आठ चार इधर दिखाई दे, चार इधर दिखाई दे, चाहे उसके बाद चक्कर आके मर जाए आदमी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो इस चीज़ के बारे में डिबेट करी जा सकती है, इस चीज़ के बारे में डिबेट करी जा सकती है, और डिबेट में जीत हमारी ही होगी क्योंकि हमें नॉलेज है इस चीज़ में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो, और अभी नहीं, अभी तो नाइन्थ क्लास है, अभी तो नाइन्थ क्लास में सिर्फ कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा है, टेंथ क्लास में पूरा हार्ट ही पढ़ेंगे आप। हार्ट एक टॉपिक है पूरा, लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है कि एक डेढ़ महीने तक बायोलॉजी का वही एक चैप्टर चलता रहता है। और मैथ्स, ये जो साइंस है, साइंस में टेंथ क्लास में जो पोर्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम कहते हैं ना 100% को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और तो कुछ नहीं है ना साइंस में। तो जो बायोलॉजी है 33 33 33 99% हो गया, 99% चाहिए तो 100% ना, तो 34% जो पोर्शन है वो बायोलॉजी का आता है। साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर अगर टेंथ क्लास में करते हैं तो बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर का है, और उसमें भी सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो हार्ट का है। उस हार्ट में सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, डाइजेशन पूरा पढ़ेंगे कि खाना जब खा लिया तो कहाँ गया, ठीक है ना, कहाँ गया, फिर क्या हुआ, स्टमक के बाद कहाँ गया, शॉर्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया, पैनक्रियाज ने क्या करा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टेंथ में पढ़नी है, पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी टेंथ की बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ी टेक्निकल सी लगेगी आपको, बड़ी टेक्निकल सी लगेगी कि जैसे मतलब 2+2=4 है वहाँ पर, तो ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही है, केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पर, कि कॉपर की वैलेंसी 2B और 3B है, ना ना, तो उसको एक्सप्लेन तो करो तो एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं है कहीं पर, तो वो चीज़ आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर वापस मैं टॉपिक पर आता हूँ, तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो बॉडी है वो खींची रहती है ज़मीन की तरफ, ज़मीन की तरफ खींची रहती है। कभी दोनों पैर उठा कर देख लेना, कभी दोनों पैर उठा कर देख लेना, सीधा गिरोगे नीचे, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो खींची रहती है, तो जब वो ज़मीन की तरफ खींची रहती है हमारी बॉडी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे 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 पहाड़ों की तरफ जाते जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। मेरे कान बंद हो रहे हैं, होता है नोटिस करें कभी पहाड़ों में जाते कान बंद हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं, हाँ भाई सुनाई दे रहे तेरे को, इन्हें मुझे तो सुनाई, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे को भी सुनाई नहीं दे रहा, अभी होता क्या है, कोई चक्कर क्या है, हाँ प्रेशर। तो क्या होता है कि जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, ज़्यादातर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है, मम्मी पापा के साथ तो नहीं लेकिन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ आती है, कि जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो सबसे पहले वो लपेट देते हैं, है ना, सांस लीजिए जोर जोर से, फिर पीछे लगाएंगे, है ना, फिर आगे लगाएंगे, हाँ, फिर कुछ लिखना शुरू कर देंगे, फिर आप पूछोगे डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊँगा ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं इसीलिए कह रहे हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या है, वो ना ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का मतलब आपका हार्ट सही से पंपिंग कर तो रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ट अगर पंपिंग ठीक से नहीं कर रहा है तब वो कहते हैं भाई आपका ना ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंपिंग कर रहा है, बैठे बैठे भी मतलब बड़ी तेज़ी से पंपिंग कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं भयंकर फिजिकल एक्टिविटी चल रही तब भी भाई साहब का हार्ट बहुत धीरे 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 काम कर रहा है, इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर लो है। तो एक होता है ब्लड प्रेशर लो, एक होता है ब्लड प्रेशर हाई,
ब्लड प्रेशर होना चाहिए ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब जितना डिजाइंड है उतना ही होना चाहिए स्टैंडर्ड, हाँ नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो अब पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये माउथ जो है जो खुलता है जैसे पार्ट होना, तो ये यहाँ पर गला, जब तक आप डेलिबरेटली स्वेलो करना नहीं चाहते कोई चीज़ अंदर जाएगी, ठीक है, और जब आपने सबका उसको खाने को, ग्रेविटी है इसीलिए खाना नीचे जाता है, नहीं तो वही अटक जाएगा, तभी तो नीचे जाएगा खाना जो आपने खाया। आगे चलते हैं, क्या मून पर फूड पाइप जैसे यहाँ पर हमने एक बॉल को गिराया, थक से गिर गया नीचे, हमको प्रैक्टिस हो रखी है और हमको आदत पड़ी हुई है, बचपन से हम देखते हैं, हमने बॉल उछाला हमें पता है ऐसे गिरेगी आके नीचे, हमने बलून उछाला हमको पता है धीरे से गिरेगा आके नीचे, बलून और बॉल में तो अंतर है ना, ठीक है। अब अगर मान लो बॉल को आपने ऐसे गिरा दिया और बॉल जा रही है ऐसे ऐसे, हो गया भाई जादू हो गया, क्या चल क्या रहेगी भाई, चुपचाप क्यों नहीं जाती तो नीचे, फिर हाथ मारेंगे तो जल्दी गिर जाएगी। तो ऐसा काम मून पर होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की कितनी है, पढ़ा है 1/6 है ना, तो 6 गुना कम। अगर कोई चीज़ आधी हो जाए तब भी पता चल जाता है हमको कि जितनी स्पीड से गिर रहा था उतनी स्पीड से नहीं गिरी, आधी स्पीड, वो तो 1/6 है, हमने बॉल को डाला बॉल जाएगी ऐसे धीरे 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 इस तरीके से, ठीक है। वो हम साउथ के अगर एक्ट्रेस पहुँच गए और लड़ाई करने लगे, उसने घूसा मारा तो वो ऐसे आएगा स्लो मोशन में, मतलब अभी कैमरा का काम ही खत्म, स्लो मोशन करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही स्लो मोशन में चल रहा है। तो वापस टॉपिक पर, हमने अगर बॉडी की बात करते हैं तो ये जो नाक है, तो नाक का जो पैसेज है वो खुला हुआ है, नाक का पैसेज खुला हुआ, मुँह का पैसेज बंद है, मुँह खोल भी लेंगे तो भी थ्रोट यहाँ पर बंद है, जब तक हम चाहेंगे नहीं स्वेलो करना कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो नाक का पैसेज खुला हुआ है, कान का खुला हुआ है, लेकिन ईयर ड्रम तक रुका हुआ है, वो ईयर ड्रम के बाहर आगे नहीं है पैसेज, ठीक है। और आँखें, आंसू निकल जाते हैं, है ना, तो आँखें जो है, आँखों का पैसेज ये भी खुला हुआ है। तो क्या होता है कि जब कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर होता क्या है कि जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर धीरे 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 कम होने लगता है, क्यों, उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि नीचे ज़मीन पर जो है आप लेटे हुए हो, ठीक है, पर आपके ऊपर किसी ने एक बड़ा सा गद्दा डाल दिया, एक और गद्दा डाल दिया, एक और गद्दा, काफ़ी आपने 8-10 गद्दे डाल दिया, भाई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, जान निकल जाएगी, हटाओ उसको, दम घुट रहा है मेरा, ठीक है। तो अब जो है उसको धीरे धीरे करके हटाया, तो आपने कहा कि हाँ भी प्रेशर कम, फिर क्या हुआ, अब किसी ने कहा कि नहीं 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 10 गद्दे थे, अब तेरे को ना 5 गद्दे के बाद ऊपर लेटना है, फिर बाकी के 5 गद्दे तेरे ऊपर डालेंगे, तो अब आपको प्रेशर कम लगेगा, समझ गए। तो जितना आप नीचे हैं प्रेशर उतना ज़्यादा है, और जितना आप ऊपर आते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। तो जब प्रेशर कम पड़ेगा तो आपका जो ईयर ड्रम है, जिसको बचपन से आदत है, आप मैदानी इलाकों में रहते आए, ये गाज़ियाबाद दिल्ली के आसपास का एरिया मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी नहीं है, ठीक है। तो आपके जो ईयर ड्रम है उसको बचपन से आदत पड़ी हुई है कि उस पर इतना प्रेशर इंसर्टेड है, हमेशा रहेगा इतना प्रेशर, क्योंकि आप ज़मीन पर रह रहे हैं, अब आप चले गए थोड़ा पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों पर चले गए तो उतना प्रेशर पड़ नहीं रहा है उस पर, तो उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो जो ईयर ड्रम है जो दबा हुआ रहता है वो थोड़ा सा बाहर पर निकल के आ रहा है, हल्का सा बाहर की तरफ है, क्योंकि अब उस पर उतना प्रेशर नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कान बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा वो बायोलॉजिकल थिंग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि अगर आपने तभी कुछ सटक लिया तो वो फुल भी जाता है, ऐसा भी होता है, उसको छोड़ो अभी। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता रहता है वो लगातार लगातार करता रहेगा। नाक का खुला पैसेज है, नाक से बाहर क्यों नहीं आता ब्लड, आँखों का खुला पैसेज है, आँखों से बाहर क्यों नहीं आता ब्लड, पहाड़ों पर आ जाता है, समझ गए, क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेयर ने, जब हम ज़मीन पर रह रहे हैं एटमॉस्फेयर ने हमारी बॉडी पर प्रेशर डाल रखा है। तो लद्दाख में, सियाचिन में बहुत लोग, कारगिल में बहुत लोग घूमने जाते हैं और इधर गए और इधर वापस आए, बस सुना है कि नहीं सुना, सूट नहीं करा वो वापस आ गए,
घूमने गए थे, बुकिंग शुकिंग न जाने क्या गलत करा रखा था, सब वापस आ गया। नाक से खून आ जाता, आंखों से आ जाता भाई, आंखों से खून आ जाता है, आंखों की पूरी वेंस दिखने लगती है लाल लाल आके, एक दूसरे को देख कर डर जाए इंसान, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है वो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, वो प्रेशर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आपको पढ़ना है वो चीज़ कि अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं और आप वहाँ चले जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तेजी से ब्लड सर्कुलेट करेगा, क्योंकि उसको दबाने के लिए प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप थोड़ी ऊंचाई पर चले गए तो प्रेशर कम पड़ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नर्व्स बर्स्ट हो सकती है, खास तौर पर उन लोगों की जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो हिट है, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी कहीं भी जाएगा, उसको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी एक ऐसे अनफिट आदमी को है जो सुबह से लेकर रात तक बैठा ही रहता है और खा ही रहा है बस और कुछ कर नहीं रहा है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत और किसी को नहीं आ सकती। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पर, हमारा टॉपिक ये है कि भाई जो मास है वो हम अब तक जो भी अपना वज़न देखते आए हैं कि 40 किलो 50 किलो जो भी वज़न है वो हमारा मास है, और जो वेट है, वेट की यूनिट हमेशा याद रखिएगा, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम अगर अर्थ के सेंटर में नीचे जाएंगे तो मास या वेट पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, जीरो खत्म, अर्थ के सेंटर पर जाते मास खत्म, मास नहीं सॉरी वेट खत्म, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। एक मिनट बाद सेम आईडी पासवर्ड से ही आप रीज्वाइन कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे? सर अर्थ के सेंटर पे भी, हाँ अर्थ के सेंटर पर वेट खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, जी अगर जीरो हो गया फिर वेट कितना होगा, एम इन टू जीरो, एम इन टू जी जीरो, सब चीज़ों के सेंटर पे, सबके सेंटर, हाँ सबके सेंटर, सबके सेंटर। चलिए इसके बाद एक लाइन नोट करेंगे, वेट इज अ फैक्टर क्वांटिटी, वेट होगा सर जी, एक आदमी की बॉडी में जो ऑर्गन को फिक्स रखती है बॉडी में वो मसल सेम है सर, जो बॉडी को क्या रखती है, जो बॉडी के ऑर्गन को फिक्स रखती है जैसे मसल्स, मसल्स हाँ सर, वो ऑर्गन अपनी जगह पर रहेंगे जहाँ पर है, जो पतला आदमी होता है उसको सांस लेने में इतना आसानी क्यों रहती है जैसे आप बता रहे थे, उसका फैट लीवर कम होता है और मोटा लग रहा है, वो जो सांस लेने में आसानी है ना वो एक्चुअली सांस सिर्फ नॉस्ट्रल से रिलेटेड नहीं है, नॉस्ट्रल से रिलेटेड नहीं है, जैसे हमारी मतलब जो नोज पाइप है, जो विंड पाइप है सॉरी, जो विंड पाइप है, विंड पाइप पर कभी कोई फैट डिपॉजिट नहीं होता, तो वो सांस तो प्रॉपरली जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या है तकलीफ इस वजह से होती है क्योंकि जो उसकी आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो इतनी फैट हो चुकी हैं, वो इतनी मोटी हो चुकी हैं कि उनके अंदर जो है वो ब्लॉकेज के भी चांसेस हैं,
और जब वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है तो तब उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई वो सांस ले तो रहा है लेकिन उसके बाद छोड़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लेथार्जिक फील कर रहा है, लेथार्जिक इस वजह से फील कर रहा है, थका हुआ इस वजह से फील कर रहा है, क्योंकि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है, उससे पहले वो सांस बाहर छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये होती है उसमें चलिए, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम जानते हैं कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। बाकी चलते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, इसमें लिखेंगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 1/6 और आगे TH लगा दिया 1/6 of what it is on earth. Suppose we have an object of mass m, यहाँ लिखिएगा पहले proof, अगर कोई भी object है जो कि 60 किलो का है, है ना, 60 किलो का है, उसका वेट कितना हो जाएगा, 60 × 9.8 है ना, 60, क्योंकि 60 किलो की अगर हम बात कर रहे हैं तो मास की बात कर रहे हैं, तो जो 60 किलो है उसमें या तो 9.8 को मल्टीप्लाई करिए, और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जी की वैल्यू को आप 10 ले सकते हैं, तो 60 × 10 कर दिया 600 हो गया, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या है कि अगर उसी चीज़ को हम मून पर लेकर जाएंगे तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ नहीं लगाएगी, अब वो मून लगाएगा, तो वो जो है वो कितनी लगेगी, 1/6 × 600 यानी कि सिर्फ 100 न्यूटन की लगेगा। मास उसका वहाँ पर भी वही रहेगा, 60 kg अर्थ पर जो था और 60 kg वही रहेगा उसका मून पर, मैं उसी चीज़ को प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो नोट करें, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, let its weight on the moon be W1, and let mass of moon is m, and let
mass of moon is m and its radius is capital R and its radius is capital R. Then weight of the object on moon will be Wm g m kya hai mass of moon small m kya hai mass of object और capital R kya hai radius of moon. तो Wm यानी कि weight of that object on moon is equal to g m n upon r square. इक्वेशन नंबर वन बोर्ड पर छोड़ दिया इसको, ठीक है ना. तो ये कौन सा रूल है, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आगे चलते हैं. सपोज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज डब्ल्यू ई. उसी का अच्छा वेट जो है यहाँ पर फोर्स आता है और वेट क्या है, वो फोर्स ही तो है, ठीक है ना. वो फोर्स की जगह मैंने डब्ल्यू एम लिख दिया. ठीक, आगे चलते हैं. ये याद रखना है क्योंकि अर्थ का मास मून से 100 टाइम्स ज़्यादा है ना. उसके बाद इसी तरह से रेडियस का लिखें एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून. ऑब्जेक्ट है तो सेम ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहने वाला है. देखिए क्या होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो एम वन मास ऑफ अर्थ, एम उस ऑब्जेक्ट का मास और रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई, आर ई का स्क्वायर. डब्ल्यू ई जी इंटू एम ई कितना है 100 एम स्मॉल एम अमाउंट आरी कितना है 4 आर. ये 4 आर का स्क्वायर
डब्ल्यू वी इज इक्वल टू जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 100 है ना, इस 100 को तो ऐसे बाहर लिख लेंगे और ये हो गया जी एम एम अपॉन 4R का स्क्वायर कितना हो गया 16R स्क्वायर। ठीक है, 16 × 1 = 16, 16 × 6 = 96। 100 माइनस 96 कितना हो गया 4 × 4 = 40, 16 × 2 = 32, 40 − 32 = 8, 8 × 0 = 80, 16 × 5 = 80। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 6.25 इंटू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो ये क्या हो गया, ऐसे बनाएंगे इक्वालिटी साइन को ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ लिखना 6.25 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, है ना, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपने उसको 6 लिख दिया 6। और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को लिखेंगे डब्ल्यू एम, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब ये जो 6 है, इस 6 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, 1/6 इंटू डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एम। हमको यही प्रूव करना था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 का वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पर जो भी उसका वेट होगा, मून पर अगर ले जाएंगे तो वो 1/6 रह जाएगा। ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आप में से किसी भी बच्चे का पेपर आने वाला हो तो मैं